आपको पता भी है तस्वीर कब की? ये तब की है जब मैं और पंजा शादी के फौरन बाद शिमला गए थे। वहां की सुबह गुलाबी और शामें नीली हुआ करती थी। आसमान इतनी पास दिखता था मानो पूरा शहर उसमें डूब गया। पंजा बादलों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती और मैं पंजा के पीछे पीछे। ऐसे ही एक दिन बादलों के पीछे भागते भागते पंजा को खरगोश का एक छोटा सा बच्चा मिल गया। वो ठंड से कांप रहा था। उसे देख के पंजा सिहर गई। ये अकेला क्यों है? इसके माता पिता कहाँ हैं? चांदनी रात थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, पंजा चलो इसे भी अपने साथ ले चलते। लेकिन वो नहीं मानी। अगर इसके माता पिता यहां आए और इसे यहां ना पाकर यहां से चले गए तो ये अकेला कैसे जिएगा चंदन? वो सारी रात खरगोश के उस बच्चे को अपने सीने से चिपकाए बैठी रही। सुबह जब चांद पूरा गया भी नहीं था, हमें खरगोश का एक हताश जोड़ा अपनी ओर आते हुए दिखा। पंजा ने धीरे से खरगोश के उस बच्चे को छोड़ दिया और फिर देर तक उन तीनों का जाना देखती रही। शहर पर आए एक बुजुर्ग से उस रात की याद में यह तस्वीर हमने खिंचवाई थी। वो सारे पल अब भी इस फोटो में कैद हैं।